दोस्तों, सिंध में बहुत ही कदीम और पुरानी चोटियों, खंडरों और कदीम किलों को देखने के बाद ये मालूम होता है कि ये सारे इलाके कदीम ज़माने में आबाद और सरसब्ज होते होंगे। शायद इन गैराबाद खंडरनुमा शहरों में बड़े फ़न के माहिर कारीगर या बहुत सहीन लोग रहते होंगे। दोस्तों, इस बात की हकीकत की मालूमात एक मोहनजोदड़ो से भी मिलती है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा किला रनीकोट से भी ये पता। रनी नाम का मतलब बरसाती नहर को कहते हैं, जिससे इस किले का नाम रनीकोट रखा गया। दोस्तों, वो बरसाती नहर कई सौ साल पहले इस किले के आरो पार बहती थी, जिसके बिगड़े निशान आज भी मौजूद हैं। आज भी जब बरसातें होती हैं तो ये नहर की तरह पानी तेजी से बहके सन शहर से गुजरते हुए सिंधु दरिया में वो पानी जाके गिरता है। दोस्तों, ये किला सिंध के ज़िला जामशोरो से सन शहर से 29 किलोमीटर के मुफासले पे खीरथर नामी पहाड़ की ऊंचाई वाले हिस्से पे बना हुआ है। नक्शे में इस किले का नाम बरसाती किला और रनी का कोट लिखा हुआ है, पर आम तौर पे लोग इस किले को रनीकोट के नाम से जानते हैं। इस किले का दूर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों, इस किले की दीवारें पहाड़ी सिलसिले की वजह से सांप की तरह घूमती हुई, इसकी एराजी तकरीबन 12 किलोमीटर हम चौरस पे मौजूद है। रनीकोट का दुनिया के सबसे बड़े किलों में शुमार होता है। इस किले की दीवारों की कारीगरी कुछ इस तरह की है कि दूर से आपको चीन की अजीम दीवार की तरह एक नक्शा नज़र आएगा। रनीकोट की दीवारें ईंटों और पत्थरों से बनी हुई हैं और उनकी ऊंचाई तकरीबन 10 मीटर है। दीवारों का ऊपर वाला हिस्सा 2 मीटर चौड़ा है। दीवारों पर दुश्मनों पर हमला करने के लिए जगह जगह सुराख बने हुए हैं। इस किले में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मौजूद हैं। रनीकोट से थोड़ा दूर एक गुंबद वाली जगह बनी हुई है, जिसकी तरफ एक कब्रिस्तान भी है और उसके आसपास कुछ टूटे फूटे मकान भी बने हुए हैं, जिनमें से इस किले में रहने वालों के निशानात मिलते हैं। कोट के अंदर वाली ज़मीन के हिस्से में एक नहर के निशानात भी मिलते हैं और इस नहर के दोनों तरफ एक पुल के निशानात भी मिले हैं, जो कि एक कदीम पुल का इशारा करते हैं। दोस्तों, इस किले की पूरी एराजी बिल्कुल वीरान नज़र आती है। इसके आसपास चंद झोपड़ियों के अलावा पूरा इलाका वीरान नज़र आता है और चारों तरफ पहाड़ियों में आपको सिर्फ ये किला नज़र आएगा। और दोस्तों, इन पहाड़ों में इस किले की दीवारें इस किले की अजीम अजमत और उसकी पुरानी तारीख का मंजर पेश करती हैं। जंगी फन के माहिरों का कहना है कि दिफाई लिहाज से इस किले को बड़ी अहमियत हासिल है और इसकी फ़न व तामीर सिंध की पुरानी तारीख का अजीम शाहकार है और अजीम कारनामा मालूम होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो तारीखी लिहाज से या किसी और नॉलेज के हवाले से आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।